नमस्कार। आज के इस प्रदर्शन में हम चर्चा करेंगे कि ऊर्जा रूपांतरण और इसके संरक्षण से क्या तात्पर्य है। देखिए, इस प्रदर्शन को ध्यान से देखें। इसमें एक काले रंग के माध्यम से एक पाथ दिखाया गया है और एक घंटी आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण समझिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। हमें क्या करना है, हमें देखिए यहाँ पर एक गेंद है जिसको हमें अपनी उंगली के सहारे लूप के ऊपर तक उठाना है और फिर इसे छोड़ना है। यहाँ देखिए ये गेंद है। अब मैं इसको ऊपर उठाता हूँ और इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ। ध्यान से देखिए, आपने घंटी के बजने की आवाज़ सुनी। हुआ क्या, आपकी मांसपेशियों की ऊर्जा गेंद को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करती है, जो नीचे गिरते समय स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिसके फलस्वरूप ये घंटी जो है बजती है। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ से मैंने इसको उठाया और इसको ये देखिए, जैसे ही ये गेंद यहाँ से यहाँ आई और फिर यहाँ और फिर यहाँ से देखिए घंटी को बजाएगी ऐसे और वापस ये वहीं पर लूप में आ गई। तो इसमें हमने देखा कि एक प्रकार की ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई और उसने ध्वनि ऊर्जा को अंततः परिणाम दिया। घंटी जो है ध्वनि के रूप में हमें सुनाई दी। धन्यवाद।